आज की होम रेमेडी है सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए। जिनको भी सर दर्द रहता है, माइग्रेन है, उनके लिए ये रेमेडी है। इस रेमेडी को करने से आपको टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। जिनको सर दर्द होता है और तुरंत ही टैबलेट खाते हैं, तो टैबलेट ना खाकर आप इस उपाय को करना तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपको रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं, ये है ड्राई जिंजर। सूखी अदरक भी कुछ लोग कहते हैं इसको, तो ड्राई जिंजर हमने लेनी है। एक छोटी गांठ है वो हमने ली है। हाँ, अदरक नहीं लेनी है, ड्राई जिंजर ही लेना है। और लेना है दूध। बस दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बस 5 मिनट इसको आपने अपनाना है, अप्लाई करना है। 5 मिनट में ही आपका जो सर दर्द है वो दूर हो जाएगा। थोड़ा सा दूध डालेंगे 1 चम्मच, और सोंठ को हम दूध के साथ कूट लेंगे। तो देखिए, इतना तो ये कूट गया है दड़दड़ा सा, पर इसको हम अभी और कूटेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और इसको थोड़ा हम जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक हम कर लेंगे। तो दूध बीच में डालते रहना, थोड़ा थोड़ा दूध आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा जो दड़दड़ा सा मोटा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हमने अप्लाई करना है अपने माथे पर। ये मेरी मम्मी है, मम्मी के सर पर मैं लगा रही हूँ, माथे पर। तो जब भी आपके दर्द हो तो इसको आप कूट कर रख भी सकते हैं। जैसे एक दिन में दर्द नहीं जाता है तो 2-3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मोटा मोटा आपने अप्लाई करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और केवल 5 मिनट ही लगाना है। जब आपको लगे कि थोड़ी जलन ज़्यादा हो रही है, तुरंत ही आप इसको उतार देना, क्योंकि सोट है हल्की सी ईचिंग करेगी। पर जब तक सहन कर सकते हैं सहन ज़रूर करना। अगर जितना ज़्यादा सहन कर लोगे उतना जल्दी आपका सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो 5 मिनट आप इसको अप्लाई कीजिए। मोटा मोटा आपने लगाना है। जैसा आप देख रहे हैं, पूरी एक गांठ थी सोंठ की पूरी मैंने कूटी है, और पूरी की पूरी जो एक गांठ का जो पेस्ट बना था पूरा का पूरा मैंने अप्लाई किया है। तो इसी तरह से आपको लगाना है। लगाने के थोड़ी देर बाद इचिंग सी होने लगती है, हल्का सा मतलब दर्द सा होता है इचिंग टाइप में, तो उसको आप सहन कर लेना। बहुत ज़्यादा अगर आपसे सहन ना हो तब आप इसको उतार देना। तो 5 से 7 मिनट आप इसको लगा के रखिए, तो तुरंत ही जो आपका सर दर्द है तुरंत ही चला जाएगा। बस जिस तरह से मैंने बताया है इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। हाँ, और अगर आप कहते हैं कि सोंठ की जगह अदरक ले लें, तो सोंठ की जगह अदरक है वो काम नहीं करेगी। और दूध के साथ हमने इसको इसलिए पीसा है, इसलिए इसका मर्दन किया है, ताकि दूध के साथ इसमें जलन नहीं होती है और जो इसकी तासीर है वो तर गर्म हो जाती है, जो कि नुकसान नहीं करती है। तो दूध के साथ जलन कम होगी, इसीलिए इसको दूध के साथ ही इस तरह से पीसा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो DNYS कोर्स मैं कर रही हूँ, 1 साल मुझे हो गया है, तो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं कि हम अपने शरीर को कैसे सही कर सकते हैं बिना दवाई खाए। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है, तो यही सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो टैबलेट खाने से तो अच्छा है, एकदम से हम टैबलेट खाते हैं तो उससे तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।